मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 11 नवंबर 2022 को सभा द्वारा यथास्थान पारित झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया जाए। माननीय नेता सदन, तो अपना बात को थोड़ा स्पष्ट करो। हो रहा है विचार खड़ा है। एक एक करके चीजें आगे बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, चूंकि राज्यपाल महोदय ने विगत सत्र में जो हम लोगों ने झारखंड स्थानीय विधेयक जो पारित किया था उसे वापस किया है, और उसमें चूंकि उन्होंने भारत सरकार अटॉर्नी जनरल साहब से भी परामर्श लिया है, तो उसमें कुछ जो उन्होंने धाराएं बताई हैं, कुछ न्यायालय कुछ न्यायालयों के इसमें आदेशों को उद्धृत किया है, तो इसमें बहुत भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकली है। मैंने उसको एक संक्षिप्त में ये बनाया है, मैं उसे पढ़ देता हूं, और जो इस पर माननीय सदस्यों की जो संशय है, मुझे लगता है इसके जानने के बाद वो संशय भी दूर हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति स्थानीयता इस राज्य के करोड़ों आदिवासी मूलवासियों की असीमिता एवं पहचान से जुड़ी हुई है, और उनकी यह बहुप्रतीक्षित मांग भी रही है। अध्यक्ष महोदय, उनकी भावना एवं आकांक्षा के अनुरूप पिछले वर्ष 11 नवंबर को इस सदन ने ध्वनि मत से पारित कर इसे माननीय राज्यपाल महोदय के पास स्वीकृति के लिए भेजा था। अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा बहुत हमारे सत्ता विपक्ष के लोगों ने भी कहा कि हमारी भी सहमति है, भले ही पीठ पीछे करके बोला हो, लेकिन उन लोगों ने भी ये बात कही थी, हम लोग भी इसमें सहमत हैं। लेकिन जाकर के पीछे से अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय के कान भरने का काम किया अध्यक्ष महोदय, और इसकी लड़ाई तो अध्यक्ष महोदय हमारे पार्टी सुप्रीमो ने और दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरा राज्य इस बात को जानता है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य खनिज संपदा से भरपूर यह राज्य है। अध्यक्ष महोदय, और विभिन्न मुख्य रूप से यहाँ पर जो कार्य होते हैं, खनन कार्य के ही अहम भूमिका रही है, चाहे वो किसी भी तरीके के खनिज संपदा हो। समय अवधि बीतता गया अध्यक्ष महोदय, पहले तो सरकारी नौकरियां मिलती थी जमीनों के बदले, मुआवजे भी कुछ मिलते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से कंपनियां आउटसोर्सिंग के रास्ते बढ़ी है, जिसमें बड़े पैमाने पर कंपनी लगभग पूरी कंपनी ही ऐसा लगता है कि मानो आउटसोर्स हो चुका हो, और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको भी जगह पाने में कठिनाई
की तो बात ही नहीं, बल्कि मिलना भी संभव नहीं है। अपने तरीके से वो लोगों को अपनी कंपनियों में रखते हैं, इसी के लिए विधायक लाई गई थे अध्यक्ष महोदय। और इस दिशा में हमारे माननीय सदस्यों ने 20 वर्षों तक राज्य को दिशा देने का काम किया। और अध्यक्ष महोदय, इस पर क्या पहल इन लोगों ने किया, ये खुद अपने गिरेवान में झांक करके बता सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने संदेश के साथ विद्वान अटॉर्नी जनरल के वैधिक परामर्श भी जो विधेयक है उसके साथ संलग्न किया है, एवं विधेयक पर पुनर्विचार करने का निर्देश भी दिया है। अध्यक्ष महोदय, अटॉर्नी जनरल जी ने अपने परामर्श में खंडिका 9 से 15 में स्थानीयता की परिभाषा एवं उनके आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराने को पूरी तरह से जायज भी ठहराया है अध्यक्ष महोदय, एवं राज्य के प्रयासों का सराहना भी किया है। अब चूंकि अध्यक्ष महोदय, अब ये डबल इंजन की सरकार तो है नहीं, अब ये कैसे चीजें बदलती है इसमें आपको देखेगा पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय, विधेयक के धारा 6 पर परामर्श हेतु विद्वान अटॉर्नी जनरल ने जो चिल्बू लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश तथा सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अपना आधार बनाया, उस संबंध में मैं आपको के माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि ये दोनों फैसले वर्तमान विधेयक के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रासंगिक नहीं रखता है। देखो, उक्त दोनों आदेशों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि संविधान की 5वीं अनुसूची की खंडिका 5(1) में राज्यपाल को कानून बनाने अथवा उसमें संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने की शक्ति राज्य के विधानसभा को प्राप्त है अध्यक्ष महोदय, जिसके तहत हम लोगों ने यह विधेयक लाया था। अध्यक्ष महोदय, इसी कारण हमने ये विधेयक भी लाया अध्यक्ष महोदय। और विधेयक बनाने और इस पर विधानसभा की सम्मति प्राप्त करने का एवं उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया था अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार अटॉर्नी जनरल द्वारा जिन अन्य आदेशों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से इंडियन सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के संबंध में पिछड़े वर्गों के आरक्षण उपलब्ध कराने से है, जनरल मैनेजर दक्षिण रेलवे बनाम संघाचार का संबंध STSC को प्रणोति में आरक्षण उपलब्ध कराने से है, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ रेलवे बनाम भारत सरकार का संबंध STSC वर्ग के लिए आरक्षित पदों की रिक्ति को आगामी वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करने से है, एवं स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस का संबंध STSC श्रेणी के लोगों को प्रणोति देने से है, जबकि इसके विपरीत वर्तमान विधेयक का उद्देश्य स्थानीय परिभाषित करना एवं उसके आधार पर स्थानीय को रोजगार सहित अन्य लाभ प्रदान करना है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार सभी मामलों में पारित आदेश का वर्तमान विधेयक से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ उल्लेखनीय है कि विद्यमान
अटॉर्नी जनरल ने अपने परामर्श में यह भी उल्लेख नहीं किया कि कई राज्य के द्वारा विभिन्न वर्गों को 50% से अधिक आरक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान भी नौवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए कराए जाने के फलस्वरूप जुडिशियल रिव्यू के लिए सुरक्षित हो चुका है, जो हम लोग के कई राज्यों में ये हुई है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने भी ST SC एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 67% करने से संबंधित विधेयक विधानसभा से पास कराकर माननीय राज्यपाल के पास भेजा हुआ है। हमें मैं पूरे सदन की ओर से आरक्षण बढ़ाने से संबंधित उक्त विधेयक पर भी शीघ्रतासिर सहमति प्रदान करने का माननीय राज्यपाल से आग्रह करना चाहूंगा। अटॉर्नी जनरल ने अपने परामर्श में वर्ग 4 के लिए तो विधेयक के प्रावधान को संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल बताया है, परंतु वर्ग 3 के मामले में उनकी राय ऐसी नहीं है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि सभी प्रांतों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी सामान्यतः वर्ग 3 और वर्ग 4 की श्रेणी के नौकरियों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने वर्तमान स्थानीयता संबंधित विधेयक को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान भी विधेयक में किया हुआ है, जिससे कि इसे जुडिशियली रिव्यू के विरुद्ध सुरक्षा कवच उपलब्ध हो सके। आश्चर्य की बात है कि विद्वान अटॉर्नी जनरल ने इस तथ्य को अपने परामर्श प्रदान करने की कहीं भी संज्ञान नहीं लिया है। तो उपरोक्त सभी तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए परामर्श तर्कसंगत नहीं लगता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य के अब विद्वान महाधिवक्ता से इस विषय पर परामर्श प्राप्त भी किया है। अध्यक्ष महोदय, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से परामर्श दिया भी है। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को संसद के द्वारा नौवीं अनुसूची में शामिल कराया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, तत्पश्चात संविधान के अनुच्छेद 31B के अंतर्गत उस विधेयक को संविधान के पार्ट 3 अथवा यदि वह किसी न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल भी हो तो उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। अतः अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त के आलोक में वर्तमान विधेयक में किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और इसे वर्तमान स्वरूप में ही पुनः पारित करने का सदन से आग्रह करें। नेता प्रतिपक्ष आप बोलिए, नेता प्रतिपक्ष बोलिए।